अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो है वो AES एडवांस इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड को जो है उसका सेकंड पार्ट देखेंगे, और उसमें हम जो है वो टॉपिक देख रहे थे ऐड राउंड की ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ऐसे होता है कि हर स्टेट के अंदर जो है हमें पता है हमारे पास जो है वो 128 बिट जो है या 16 बाइट जो है वो एक स्टेट होती है, और उसके अंदर जो है वो हम जो है वो राउंड की जो होती है 120 बिट की सेम लेंथ की जो है वो होती है, वो हम उसके अंदर ऐड करते हैं। तो हम करते ये हैं कि ये जो पिछले उस स्टेट के अंदर वो जो 128 बिट्स हैं और जो राउंड की ऐड की गई है उसका हम एक्स और लेते हैं। एक्स और क्या होता है कि एक्स और ये होता है कि उसके अंदर जो है मतलब ये हमारे पास इस तरह जो है वो टोटल जो है वो दो वेरिएबल्स हो जाएंगे, और दो वेरिएबल्स के जो है वो टोटल जो है वो फोर कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे। मतलब ये है कि जो हमारी स्टेट है उसमें उसकी जो वैल्यू एक हो सकती है कि ज़ीरो हो, और जो है उसी के नीचे जो है अपना जो आ रहा हो उसकी की वो जो है हो सकता है कि वो आ रही हो वन आ रही हो, ठीक है। तो अब इस तरह जो है वो टोटल चार कम्बिनेशन बनेंगे। उस कम्बिनेशन में एक्सोर क्या होता है, एक्सोर ये होता है कि हम उसमें नंबर ऑफ जो है वो दोनों के अंदर नंबर ऑफ जो है वो उस पोजीशन पे देखते हैं वंस काउंट करते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ वंस दोनों में 0 0 आया तो नंबर ऑफ वन 0 है, तो जहाँ पे जो है नंबर ऑफ वन 0 हो या नंबर ऑफ वन जो है वो इवन होंगे तो वहाँ पे हमारा जो एक्सोर का आंसर है वो हमारा 0 आएगा, ठीक है। और जहाँ पे नंबर ऑफ वन जो है यहाँ पे जो है 0 एक जगह पर 0 आ रही है, 1 आ रही है, टोटल नंबर ऑफ वन 1 आ रहे हैं, तो जहाँ पे नंबर ऑफ वन जो है वो ऑड आएंगे वहाँ पे हमारा एक्सोर का जो आंसर होगा वो हमारा 1 होगा। तो इस तरह जो है वो हम उसको 128 बिट का वो जो हमारी एक्सट्रीम जो है वो हमारा एक ब्लॉक है उसको हम जो है उसमें जब ऐड करते हैं राउंड की 128 की, तो हम उसका एक्सोर ले लेते हैं इस हिसाब से कि जहाँ पे जो है दोनों के अंदर 0 0 होगा या दोनों पे ऊपर जो है 1 1 होगा वहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वो 0 होगा, अदरवाइज हमारा अगर एक पे 1 है और एक पे 0 है तो हमारा जो है वो आउटपुट जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। और ये जो आउटपुट बन के जो है वो नेक्स्ट राउंड के अंदर जो है वो हमारा ये स्टेट बन जाएगी, और स्टेट के अंदर अगेन जो है वो हम ऐड की डालें करेंगे 128 बिट की, और इस तरह ये प्रोसेस रिपीट होता 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 ऐट द एंड जो हमारे पास जो है वो 10 स्टेप के बाद या 12 के बाद या 14 के बाद हमारे पास जो है वो एक हासिल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ये होता है कि जो ऑपरेशन होता है वो 4 बाइट्स के ऊपर होता है और 4 बाइट्स की स्टेट्स के ऊपर, मतलब ये एक जो है वो कॉलम वाइज ऑपरेशन होता है। जो 4 बाइट्स होती हैं स्टेट की और जो एक जो जो राउंड की होती है उसका एक उसका जो है कॉलम होता है या आपस में ऐड होते हैं, और इनको जो है बाइट वाइड ऑपरेशन जो है उसके ज़रिए जो है इनको व्यू किया जा सकता है। इसमें जो रेशनल होता है वो ये होता है कि ये सिंपल होता है और पॉसिबल इफेक्ट जो है वो हर स्टेट के ऊपर जो है अफेक्ट कर रहा होता है, और इस तरह जैसे जैसे जो है इनकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी ये जो है हमारा जो साइफर टेक्स्ट है वो इतना ज़्यादा जो है वो बेहतर जो है अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें जो है वो ये नज़र आ रहा है आपको, एक हमारे पास एस बॉक्स है, एस बॉक्स का जो है वो हम एक स्टेट मैट्रिक्स के अंदर लेते हैं जो कि 16 बाइट की जो एक मैट्रिक्स होगी स्टार्ट के अंदर, उसमें हम जो है वो उसके सब बाइट जो है उसके अंदर जो है वो हम शिफ्ट जो है वो रोज़ करेंगे, फिर कॉलम को जो है हम मिक्स करेंगे, मिक्स कॉलम मैट्रिक्स ये वाली हो गई कि इसमें जो है वो हमने इसके कॉलम को मिक्स कर दिया, और उसमें हमने जो है वो राउंड की डाली, और राउंड की डाल के जो है उसमें हर स्टेट के ऊपर जो है वो एक राउंड की डालते हैं। जब वो डालते हैं तो स्टेट जो होती मैट्रिक्स होती है वो हर राउंड के अंदर जो है पे पात पे जो है वो एक नई जनरेट हो जाती है, और जो है ये होता है कि इस तरह जो है वो हम सिंगल जो AES राउंड होता है उसका हम हमारे पास जो है वो इनपुट्स इस तरह आता है। अभी हम जो है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड की एक्सपेंशन की बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो 4 वर्ड्स का या 16 बाइट का जो है वो एक जो है वो इनपुट होता है, और उसके ज़रिए हम जो है वो 44 वर्ड्स या 178 बाइट का जो है वो एक लीनियर अरे हम हासिल करते हैं, और ये अरे जो है वो सफिशिएंट होती है कि हमें जो है वो 10 राउंड्स के अंदर जो है वो हमें 4 वर्ड्स की इनिशियल ऐड राउंड की जो है वो हर स्टेज पे प्रोवाइड करने के लिए ये हमारे पास एनफ होती है। ये जो एक्सपेंडेड की होती है ये कॉपी होती है, पहले 4 वर्ड्स जो एक्सपेंडेड की के होते हैं उसके अंदर जो है ये कॉपी होती है, और जब ये उनका जो रिमाइंडर होता है उन एक्सपेंडेड की का वो फिल्ड होता है 4 डिफरेंट वर्ड्स के अंदर एट अ टाइम,
ठीक है। अब इसमें ये होता है कि जो हर जो एडेड डब्ल्यू आई होता है वो डिपेंड कर रहा होता है इमीडिएट प्रोसीडिंग वर्ड के ऊपर, मतलब जो उसका प्रीवियस जो उसकी स्टेट होती है, मतलब डब्ल्यू आई जो है वो डब्ल्यू आई माइनस वन पे जो है वो डिपेंड कर रहा होगा, और जो वर्ड होगा वो फोर पोजिशन बैक पे जो है, जैसे अगर वर्ड जो है वो डब्ल्यू आई है तो वो डब्ल्यू आई माइनस फोर पे जो है वो डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो तीन होते हैं, चार चार में से जो तीन जो होते हैं केसेस होते हैं वो सिंपल जो है वो एग्जार होते हैं जो कि यूज़ होते हैं, और जो वर्ड होता है जो जिसकी पोजिशन जो होती है वो डब्ल्यू अरे के ऊपर होती है, और वो फोर का मल्टीपल होता है, मतलब 0 4 8 मल्टीपल होता है वो, थोड़ा उसके अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स किस्म का फंक्शन डाला होता यूज़ किया जाता है, और उस पे फिर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर जो है वो हमें जो है वो 16 बाइट की जो है वो एक की नज़र आ रही है, उस की से जो है वो 43 जो हैं वो उससे बन रहे हैं, क्या नाम है उसका, एक्सपेंडेड की बन रही है हर राउंड के लिए, जो 10 के 10 राउंड्स के अंदर जो है वो जो स्टेप बाय स्टेप जो है वो यूज़ होंगी, और उसके फंक्शन अंदर जो फंक्शन होगा, मतलब एक आपने वर्ड लिया डब्ल्यू जो है वो एक जो है वर्ड है वो, उसमें आपने उसको फोर जो हैं डिफरेंट कॉलम्स हैं उसके अंदर वो उसको इंसर्ट किया जाएगा, और फर्स्ट थ्री के अंदर जो है वो सिंपल एक्सओआर यूज होगा, जबकि जो है वो फोर्थ वन के अंदर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड किस्म का जो है वो थोड़ा सा फंक्शन यूज हुआ। तो ये जो है वो AES की जो है वो की एक्सपेंशन होती है। अभी हम जो है वो की एक्सपेंशन रैशनल की बात करते हैं। एजाइल डेवलपर्स ने जो है ये एल्गोरिथम इसलिए बनाया कि ये रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट करे क्रिप्टोनालिटिक अटैक्स के अंदर, और इसके अंदर जो है जो राउंड्स हैं वो सिमिलरिटी को जो है वो एलिमिनेट करें, ताकि जो है वो हर राउंड के अंदर डिफरेंट जो है वो की जनरेट हो सके। इसके कुछ जो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया वो क्या है कि अगर हम किसी पार्ट की साइफर की जो है किसी राउंड की उसका अगर हम नॉलेज हमें मिल जाए तो उससे जो है वो उसका ये मतलब नहीं होता कि उससे हम जो है वो बहुत सारे और जो की राउंड की बिट्स हैं उनको जो है वो फाइंड कर सकें। ये एक जो है वो इन्वर्टेबल जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और इसकी जो स्पीड होती है वो प्रोसेसर की वाइड रेंज पे जो है वो डिपेंड कर रही होती है, और इसका जो हम जो यहाँ पे जो है वो जो राउंड्स यूज़ करते हैं वो कांस्टेंट जो कांस्टेंटली जो होते हैं वो सिमिलरिटीज़ को जो है वो एलिमिनेट करते हैं। हर राउंड में जो है हमें जो है डिफरेंट राउंड की मिलती है, और इसकी जो है वो डिफियंस जो है वो जो साइफर होती है उससे जो है वो की जो डिफरेंस होते हैं वो हर राउंड के अंदर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसके अंदर जो है नॉन लिटरी जो प्रॉफिट होता है वो इनफ होता है कि नॉन लिटरी को जो है वो डिफाइन करने के लिए, और हर राउंड के अंदर जो है जो राउंड की होती है वो जो साइफर की होती है उससे जो है बिल्कुल डिफरेंस होती है। फिर जो इसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है उसकी जो है वो सिमिलरिटी जो है ये भी इसका जो है स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। इस टेबल के अंदर जो है वो AES जो है वो उसको उसकी एग्जांपल है कि किस तरह जो है उसके अंदर एक की एक्सपेंशन होती है। जो लेफ़्ट साइड है उस पर कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स जो हैं जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो है वो 128 बिट का जो है वो साइफर टेक्स्ट होता है, और उसके अंदर जो है वो 44 जो हैं वो जो है वो राउंड की जो बिट राउंड की होती हैं वो जो है वो जनरेट होती हैं। तो इसके अंदर जो है वो लेफ़्ट साइड पे जो है वो हमारा पहले फोर जो है वो जनरेट हुई, उनका फिर आगे एक्सोर है। एक्सोर में ये होता है कि थ्री जो हैं वो फोर में से जो है वो फोर एक्सोर होते हैं, और जो फोर्थ वन होता है जो अपना फोर का मल्टीपल होता है उसके अंदर डिफरेंस थोड़ा सा होता है, उसमें जो है वो जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। ठीक है, जो राइट साइड है का कॉलम है उसके अंदर जो है वो AES के की एक्सपेंशन के अंदर जो डिफरेंट ऑक्सिलरी और फंक्शन यूज़ होते हैं वो जो है दिए गए हुए हैं, और उसमें जो है रोट वर्ड W3 है, इसमें सब वर्ड जो है वो X1 है, उसमें जो है आरकॉन जो है ये डिफरेंट जो है उसके अंदर एक्सिलरी फंक्शंस हैं, और ये टोटल 10 स्टेप्स के बाद जो है AES जो है 128 के अंदर जो है वो 10 स्टेप्स के बाद एट द एंड जो है वो हमारे पास जो है वो एक जो साइफर टेक्स्ट है वो हमारे पास हासिल होता है, हासिल कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो इस टेबल के अंदर जो है वो AES की एग्जांपल जो है वो नज़र आ रही है कि स्टार्ट ऑफ राउंड की है, कि इसमें जो है वो एक 16 बिट का जो है वो बाइट का एक जो है वो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है वो उसके अंदर जो है वो राउंड की 0 राउंड के अंदर जो है वो इंसर्ट की गई। अब उस राउंड की के बाद जो है उसके अंदर जो है उसकी स्टार्ट हो गया राउंड जो है वो राउंड वन हो गया, राउंड वन के बाद जो है उसके अंदर जो है वो
सब बाइट्स होती हैं वो उसके अंदर वो रिप्लेस कर दी जाती हैं ये, और उसके बाद जो है वो रो को शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर कॉलम को मिक्स कर दिया जाता है, फिर उसके अंदर जो है वो राउंड की कर दी जाती है, और उसके तरह 10 ये प्रोसेस चलता रहता है। और जो है वो एट द एंड जो है वो ये वाला जो टेक्स्ट है, ये जो सिंपल टेक्स्ट है 01 वाला, ये जो है वो एट द एंड जो है वो बिल्कुल तब्दील होकर जो है वो साइफर टेक्स्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम जो है वो एवलांचे इफेक्ट देखते हैं कि जो एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है उसके अंदर जो है किस तरह जो है वो प्लेन टेक्स्ट को चेंज करता है साइफर टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, ये राउंड वन है, राउंड वन के अंदर जो है वो ये राउंड है, नंबर ऑफ राउंड्स हैं, ये जो है वो प्लेन टेक्स्ट है, ये जो है वो साइफर टेक्स्ट उस राउंड के बाद जो बना हुआ, और उसके बाद ये नंबर ऑफ बिट्स जो जितनी जो है वो डिफर कर रही हैं। टोटल जो बिट्स हैं वो हमारे पास जो है वो 128 बिट्स हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है वो जीरो राउंड के बाद जो है 1 बिट जो चेंज हुई है, उसके बाद जो है वो राउंड वन के बाद 20 बिट्स यहाँ पे चेंज हुई हैं, 58 बिट्स चेंज हुई हैं आउट ऑफ 128, और एट द एंड 10 राउंड्स के बाद जो है वो जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है और वो जो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ है उसके अंदर जो है 58 बिट्स जो है टोटल चेंज हुई हैं। ठीक है, फिर एवलांच इफेक्ट हम देखते हैं कि अगर हम की को चेंज कर दें, की को अगर हम चेंज करते हैं तो फिर एवलांच इफेक्ट क्या होता है। इसके अंदर जो है वो सेम वही राउंड और उसके बाद ये की जो है वो प्लेन टेक्स्ट और उसके बाद जो है वो उस साइफर टेक्स्ट उस राउंड का और उसमें उसके बाद ये जो कॉलम है राइट साइड वाला, ये डिफर बता रहा है कि कितने बिट्स जो हैं वो डिफर हुए हैं। तो इसमें जो है वो अगर की को हम चेंज करते हैं तो फिर राउंड ज़ीरो पे जो है वो 1 जो है वो बिट चेंज होती है, इसी तरह करते जो है वो राउंड 4 पे 63 बिट और एट द एंड 10 राउंड्स के बाद जो है वो 53 बिट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। अभी हम जो है वो इक्विवेलेंट देखते हैं इनवर्स साइफर का। AES डिस्क्रिप्शन साइफर जो होती है वो सिमिलर नहीं होती, उसका जो प्रोसेस होता है वो सिमिलर नहीं होता AES डिक्रिप्शन साइफर के। ठीक है, सीक्वेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन के होते हैं वो इनके अंदर डिफरेंट होते हैं, दोनों राउंड्स के अंदर जो है वो दोनों प्रोसेसेस के अंदर डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो की का स्केड्यूल होता है वो सेम होता है। ठीक है, और उसमें जो है वो जो पहली 2 स्टेजेस होती हैं उसका डिस्क्रिप्शन राउंड जो है वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, और इसका जो डिसएडवांटेज ये होता है कि AES डिस्क्रिप्शन डिक्रिप्शन और AES इनक्रिप्शन दोनों के लिए जो है वो 2 अलग अलग सॉफ्ट जो है वो सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं या फर्मवेयर चाहिए होते हैं कि वो उसको इनक्रिप्ट और जो है वो डिक्रिप्ट जो है वो कर सकें। ठीक है, उसको जो है वो इंटरचेंजिंग जो है वो इनवर्स जो है वो शिफ्ट रोज़ और जो है वो इनवर्स जो है वो सब बाइट को हम देखते हैं कि इनवर्स शिफ्ट रोज़ जो होती हैं वो अफेक्ट करती हैं जो सीक्वेंस होता है बाइट्स का, स्टेट्स के अंदर जो है जो सीक्वेंस होता है उसको जो है वो अफेक्ट करती हैं, बट लेकिन जो है ये जो है वो बाइट कंटेंट्स को चेंज नहीं करती और ना ही जो है ये डिपेंड करती हैं बाइट कंटेंट्स के ऊपर कि वो जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को प्रोसेस जो है परफॉर्म करें। जो इनवर्स सब बाइट्स होती हैं वो अफेक्ट करती हैं कंटेंट्स बाइट्स को और जो है वो स्टेट के अंदर, लेकिन जो है वो चेंज नहीं, बाइट का सीक्वेंस चेंज नहीं करती, मतलब जो है वो कंटेंट्स जो है वो चेंज होती हैं लेकिन बाइट का सीक्वेंस जो है वो सेम रहता है, और ये जो है वो डिपेंड नहीं करती जो बाइट सीक्वेंस पर के वो ट्रांसफॉर्मेशन को जो है वो परफॉर्म कर सकें। इसलिए जो है दोनों जो ऑपरेशंस हैं वो कम्यूट हैं और जो है इनको और इंटरचेंजेबल जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, अब इंटरचेंजिंग जो है वो एड राउंड की और जो है वो इनवर्स मिक्स कॉलम की बात करते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है एड की एड राउंड की के अंदर और इनवर्स कॉलम जो है वो सीक्वेंस बाइट का जो किसी भी स्टेट के अंदर जो बाइट का एक सीक्वेंस होता है उसको जो है वो चेंज नहीं करते। अगर हम जो है वो की को जो है व्यू करें, की को देखें कि वो जो है वो सीक्वेंस ऑफ एक सीक्वेंस वर्ड्स का जो है सीक्वेंस होता है, तब जो है वो दोनों जो ऐड की और जो इनवर्स मिक्स की होता है वो ऑपरेट कर रहा होता है स्टेट के एक कॉलम के ऊपर एट अ टाइम। ठीक है, वो सारे के सारे चारों के कॉलम्स के ऊपर वो नहीं जो है वो कर रहा होता, बल्कि वो सिर्फ एक कॉलम के ऊपर जो है वो ऑपरेट कर रहा होता है, और ये जो दोनों ऑपरेशंस होते हैं ये लीनियर होते हैं कॉलम इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है ये जो दोनों कॉलम होते हैं ये लीनियर होते हैं। ठीक है, अब ये जहाँ पे जो है इक्विवेलेंट इनवर्स जो है वो साइफर नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है वो एक साइफर टेक्स्ट है, उसके अंदर जो है हम 43 जो है वो ऐड राउंड की जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है इनवर्स सब बाइट्स होता है, फिर नेक्स्ट जो है वो इनवर्स शिफ्ट रो होता है, फिर इनवर्स मिक्स कॉलम्स होता है,
फिर अगेन एट द एंड जो है राउंड का, हर राउंड का स्टार्ट और एंड जो होता है वो एट राउंड की पे होता है, और उसमें जो है वो अब इसमें जो है इन्वर्स मिक्स कॉलम जो है वो इंसर्ट किया जाता है। इस तरह ये राउंड चलते 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 जो है वो 10 राउंड्स के बाद जो है हमारे पास जो है वो डिसाइफर होके प्लेन टेक्स्ट जो है हमारे पास हासिल हो जाता है। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स के किस तरह करते हैं कि AES जो होती है वो जो है वो एफिशिएंटली जो है वो 8 बिट प्रोसेसर के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती है, कि 8 बिट का जो प्रोसेसर होता है उसके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा ही एफिशिएंटली हो जाता है। ठीक है, ऐड राउंड की जो होती है वो बाइट वाइज XOR ऑपरेशन होता है, कि मैंने पहले कहा कि वो उसके अंदर जो है वो जो उस राउंड का जो टेक्स्ट होता है प्लेन टेक्स्ट होता है और जो ऐड की होती है उसका वो XOR जो है वो ऑपरेशन उसको जो है वो होता है, बिट वाइज उसका XOR होता है। जो शिफ्ट रोज होती हैं ये जो है वो सिंपल बाइट शिफ्टिंग ऑपरेशन होता है, कि इसके अंदर जो है वो बाइट शिफ्ट होती हैं जो है वो बजाय कि उसके उसकी रिप्लेसमेंट हो वो शिफ्ट होती हैं, और दूसरा जो है वो जो सब बाइट्स ऑपरेट्स होते हैं वो बाइट लेवल पर, और जो है उनके के लिए जो टेबल होता है वो 256 बाइट्स का जो है वो रिक्वायर होता है सब बाइट्स के लिए। ठीक है, जो मिक्स कॉलम रिक्वायर होता है उसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हो रही होती है फील्ड GF 2^8 के अंदर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि तमाम जो ऑपरेशंस होते हैं वो जो है वो बाइट्स के ऊपर जो है वो कैरी हो रहे होते हैं। ठीक है, ये जो है ये एफिशेंटली जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकती 32 बिट्स प्रोसेसर के ऊपर भी जो है ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन जो है वो यहाँ पे भी इसके लिए जो है वो स्टेप्स जो हैं उनको रीडिफाइन करना पड़ेगा वो 32 बिट वर्ड्स के ऊपर, और ये जो है वो 4 टेबल उसके लिए यूज़ हो कर सकते हैं, कि उसके लिए जो है वो 256 वर्ड्स के 4 टेबल यूज़ हो सकते हैं। तब जो है वो हर कॉलम जो होगा हर राउंड के अंदर वो 4 टेबल लुकअप जो है पे मुश्तमिल होगा, और साथ में जो है 4 XOR ऑपरेशन हो रहे होंगे। इसको जो है वो स्टोर होने के लिए 4KB जो है वो स्टोर टेबल जो है वो रिक्वायर होता है, और ये जो है वो ईज़िली और एफिशेंटली जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। जो इसका जो है वो एफिशेंटली इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इसका जो है वो की फैक्टर है, जिसकी बायस जो है वो जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो AES साइफर को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ी एफिशिएंट होती है और जो है वो खासी जो है इफेक्टिव होती है।